नमस्कार, मैं पंकज कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी स्टेज में। मैं आज आपको एक प्राचीन काल की कहानी सुनाऊंगा जो मित्रता पर आधारित है, क्योंकि आज के समय में और प्राचीन काल में काफी बदलाव हुआ। प्राचीन काल की कहानी है, चलिए उस कहानी को हम आपको सुनाते हैं। एक राजा था डैनस नाम का, जो बहुत क्रूर, घमंडी और अत्याचारी था। उसके समय में प्रजा बहुत परेशान थी, तो प्रजा के अंदर एक विचार आया कि राजा के खिलाफ कोई हम लोग क्रांति छेड़ते हैं, जो कि राजा के अंदर सुधार आए। तो क्या हुआ, एक डेमन नाम का युवा था जो काफी शिक्षित और योग्य था, तो समाज के लोगों ने उसे कहा कि आप इस क्रांति में भाग लें और आप हमारी मदद करें। वो जो डेमन था वहां का निवासी नहीं था, इसलिए वो वहां पर अपनी आवाज उठाता है और राजा को जैसे ही पता चलता है कि हमारे खिलाफ कोई आंदोलन चल रहा है, तो राजा उस डेमन को बंदी बना लिया, इसलिए क्योंकि वो काफी योग्य था और वही जनता को आगे क्रांति में सहयोग करता था। फिर ऐसा हुआ, उस डेमन को फांसी की सजा सुना दी गई और उसे अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो डेमन के मन में एक विचार आया कि मुझे अपनी मां से एक बार मिलना है। तो राजा बोला, अगर आपको मैं छोड़ दूंगा, आप जाओगे क्या, वापस यहां आओगे। तो डेमन निर्भीक होकर बोलता है, राजन मैं वापस आऊंगा। तो राजा को विश्वास नहीं होता है। उसका दोस्त पाइथियस नाम का एक युवा था, उसने कहा कि जब तक मेरा दोस्त अपनी मां से मिलकर आए, तब तक हम आपके बंधन में रहेंगे और इसको मां से मिलने के लिए बरी किया जाए। तो राजा बोला, अब उसकी फांसी का समय है और वो मरने वाला है, आप उस पर विश्वास करके भेज रहे हैं, उसकी जगह पर आप आ रहे हैं, और यदि वो नहीं आया तो आपको फांसी होगी। तो उसका मित्र था पाइथियस, वो बोला कोई बात नहीं। तो वो चला गया डेमन अपनी मां से मिलने के लिए और काफी समय उसको लग गया। आने में उसे कुछ काफी देर हुई, लगभग एक साल नहीं आ पाया। और दरबार में हलचल मच गई कि अब
इस पायथियस को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब इसका दोस्त नहीं आएगा। तो दरबार लगता है पायथियस के फांसी के लिए, और पायथियस को पूर्ण विश्वास था कि मेरा दोस्त जरूर आएगा। और लोग सब कह रहे थे कि अजीब अजीब दोस्त पड़े हुए हैं, अब उसकी जगह ये फांसी पर चढ़ेगा, और उसे फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है। तब तलक पीछे से आवाज आती है कि मेरे मित्र को फांसी पर मत चढ़ाओ, मैं आ गया हूं। तो राजा देखते हैं, राजा की आंखें भर आती हैं कि व्यक्ति एक छूट कर जाता है मित्र के लिए अपना, फिर वापस आता है। और ये कहानी इतिहास में दर्ज है जैसे लिखी थी, हालांकि मैंने वैसे तो नहीं डिस्क्राइब किया, कुछ अपने हिसाब से उसको मैंने आपको सुनाया। अब आज के समय में क्या हो रहा है, पहले दोस्ती करेंगे और फिर उसे बेवकूफ बनाएंगे। आजकल मैं देखता रहता हूँ न्यूज़पेपरों में कि फला व्यक्ति ने किसी से हेल्प ली और उसके बाद उसकी दोस्ती हुई, उसके बाद उसके साथ 1 करोड़ का घोटाला हो गया, उसके साथ इतना नुकसान हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप अपनी दोस्ती को बरकरार रखिए, पर किसी को ठेस मत पहुँचाइए। यही मैं कहना चाहता था। आपको कैसे लगे मेरे विचार जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद।